नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आशीष देशमुख के घर चोरी। नागपुर पूर्व विधायक आशीष देशमुख के घर में चोरी की वारदात से खलबली मच गई है। अलमारी के लॉकर से 37 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए हैं। पूर्व विधायक के घर पर चोरी खबर से पुलिस का टेंशन भी और भी बढ़ गया है। पुलिस तुरंत काम पर लग गई है और घर में काम करने वाले नौकरों को हिरासत में ले लिया गया है। उसने चोरी की कबूली दी और सारे जेवरात पुलिस ने जब्त कर लिए। सिविल लाइन में जिला अधिकारी कार्यालय के बिल्कुल सामने आशीष का बरकत नामक बंगलो है। आशीष अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। आशीष की पत्नी आयुषी ने अपने बेडरूम की अलमारी के ड्रवर में हीरे जड़ित सोने की जेवरात रखे थे। 22 अप्रैल को उन्होंने आखिरी बार जेवर ड्रावर में देखे थे। इसी बीच घर के नौकर ने ड्रावर में रखे जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं। शुक्रवार को आयुषी ने ड्रावर खोलकर देखा तो जेवरात गायब थे। उन्होंने आशीष को घटना की जानकारी दी। घर के सभी नौकरों से जेवरात के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। आखिर आयुषी ने सदर पुलिस स्टेशन में अपने 37 लाख के जेवर चोरी होने की शिकायत की। घर के बेडरूम तक कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। इससे साफ था कि घर की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति ने चोरी को अंजाम दिया है। आयुषी ने घर के किसी नौकर द्वारा चोरी किए जाने का अंदेशा जताया। खबर मिलते ही सदर पुलिस काम पर लग गई। पुलिस ने घर में आने जाने वालों सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा की। इसी दौरान पुलिस को दसरा रोड महल निवासी सागर प्रसाद पावने नामक नौकर पर संदेह हुआ। पुलिस ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पहले तो वह मुकरता रहा, लेकिन पुलिस ने अपना रौब दिखाया तो आर्थिक तंगी के चलते चोरी की वारदात को अंजाम देने की कबूली उसने की। चोरी के जेवरात उससे जब्त कर लिए गए। रविवार को पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर PCR लेगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।